नहीं लगता कि हम लोग मुकाबला एक जगह पे करते हैं, वो है बॉर्डर पे, हम टांग किसके ऊपर जाती है? देखिए टांगों से अगर मामला ऊपर होने होता तो आज बुर्ज खलीफा में जितनी टांगे उठी हैं किसी की नहीं उठी, तो बहुत 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 बुर्ज जो है वो ऊपर उठ जाते। लेकिन बात यही करने का मकसद है कि हमें अपनी तरफ देखना चाहिए, हुक्मरानों को देखना चाहिए। नहीं यार, कौन सी पाकिस्तान में 7 लाख का तकर ये कोई कुछ भी नहीं मिलता, हैरानी मिलती है। पुरानी गाड़ी लेना मुश्किल हो गया, नहीं तो बहुत दूर की 3 पिपा होती हैं, आपको क्वालिटी का भी पता कितनी गंदी होती है। ऑल्टो की बात करने जा रहा हूँ, वो 28 से 30 लाख की बिल्कुल, और उसमें है कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद हनान। मोहम्मद अनस। क्या करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, ज़बरदस्त। सर बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, पहले आपने ये गाड़ी देखनी है और गाड़ी की लुक देखकर बताइएगा, ये लुक वाइज आपको गाड़ी कैसी लगी है? गाड़ी तो माशाल्लाह प्यारी है, अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह। अच्छी गाड़ी है। और अगर बात की जाए तो कौन सा मॉडल है? 22 लग रहा है मुझे तो। 22 लग रहा है जी जी। और अगर बात करें ब्रांड कौन सा है? क्या वजह है? मैं इस हवाले से अगर बात करूँ इसकी प्राइस के हवाले से, क्या प्राइस हो सकती है पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से जिस तरह मार्केट चल रही है 70 के पास होनी चाहिए। 70-80 के राउंड अबाउट। 65 प्लस। लेकिन सर इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपया? ये पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर की बात? बांग्लादेश की तो नहीं बात कर रहे आप? अफगानिस्तान में हो सकता है, स्मगल होके आ जाए। अफगानिस्तान में हो सकती है। ये कोई बाहर की है? ये यहाँ की है। ये बिल्कुल आप तीनों ने सही गैस की है, ये पाकिस्तान की नहीं है। और अगर पाकिस्तान में हो तो कभी भी इतने की नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑल्टो की प्राइस पाकिस्तान में जो है वो 28 से 30 लाख रुपये की। इस तरह है, इस तरह है। तो ये कहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो इतनी सस्ती प्राइस में है? मेरे ख्याल तो नॉन कस्टमर गाड़ी लग गया मुझे 7 लाख रुपए की। नहीं सर, ये गाड़ी जो है इतनी सस्ती है आपकी नेबर कंट्री इंडिया में है। इंडिया में उन्होंने अपने देखे, उन्होंने अपनी चीज़ों का ओवरकम भी बहुत किया। ये सर जबरदस्त। और अगर बात करें तो ये कौन सा ब्रांड है? सुजुकी। बहुत जल्दी पहचान लिया उसके लोगों से जी। क्या प्राइस होगी ये आपको बता? एटलीस्ट कितने की हो सकती है अगर कोई अंदाज़ा लगाए, कितने तक हो सकती है? करोड़ तक तो हो गई। 1 करोड़ तक हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। लेकिन 5-6 साल पीछे चले जाएँ तो 50 लाख। लेकिन सर इस गाड़ी की जो कीमत है वो इस टाइम 7 लाख रुपये है। 60 लाख? 7 लाख। 7 लाख हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है। कैसे हो सकती है? आप कह रहे हैं इसलिए हो सकती है। वीडियो देखकर आपने ये गेस करना है ये गाड़ी कौन सी है और इसकी प्राइस क्या है। यह सुजुकी की कार है तकरीबन। सुजुकी की कार है, बड़ी जल्दी पहचान लिया उसके लोगों से। हाँ, तो इसकी प्राइस होगी तकरीबन कोई पाकिस्तान के हिसाब से 50-60 लाख रुपये। 50-60 लाख आप बता रहे हैं, एटलीस्ट इतनी होगी। और अगर मैं बताऊं कि इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपये है, पाकिस्तान में तो कभी नहीं हो सकती। ये आपकी नेबर कंट्री इंडिया में है? सच्ची यार, 7 लाख की। 7 लाख रुपये की गाड़ी इंडिया में? वाह क्या बात है यार, इंडिया वैसे ही बड़ी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में तो कभी नहीं हो सकती। ये आपकी नेबर कंट्री इंडिया में है? सच्ची यार, 7 लाख की। 7 लाख रुपये की गाड़ी इंडिया में? वाह क्या बात है यार, इंडिया वैसे ही बड़ी तरक्की कर रहा है। गाड़ी सस्ती होने की एक रीज़न ये है, ये वहाँ पे एक मारुति सुजुकी के नाम थे, यहाँ हमारे यहाँ सुजुकी के नाम थे, वहाँ पे मारुति सुजुकी के नाम थे, जापान की मदद से उन्होंने वहाँ यूनिट लगाया और वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बात करते हैं वहाँ पे ओवरऑल भी बात करें कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ हो रही है। अगर बात करें पाकिस्तान के यहाँ तो कोई एक ऐसी ब्रांड वाली कोई गाड़ी बताएं जो अपनी हो और लोकल हो, कोई है ऐसा ब्रांड? एम जी लोकल है, पाकिस्तान का अपना ब्रांड है। पाकिस्तान का अपना ब्रांड है? मेरे ख्याल से तो इतनी ज़्यादा हम चीज़ें इम्पोर्ट ही करते हैं। इम्पोर्ट ही तो पाकिस्तान का ब्रांड है। पाकिस्तान का ब्रांड है? एमजी सर पाकिस्तान का ब्रांड नहीं है, ये चाइना का ब्रांड है। यहाँ सिर्फ असेंबल की जाती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और अगर बात करें इंडिया में 40 से ज़्यादा ब्रांड है जो कि वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, और बात करें हमारे यहाँ एक भी लोकल ब्रांड नहीं है। इसी तरह यह देखें हमारी जो मिशन चल रही है इस टाइम, लोग बाहर से जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो पैसा लगाते हुए डर रहे हैं कि पता नहीं आज कौन सी हुकूमत है, कल कौन सी हुकूमत हो, और क्या बता हम इधर मुल्क में लगाएं, फ्रॉड ना आ जाए, बेरोज़गारी है, आवाम आगे पीछे हो जाए, तो काफ़ी असर पड़ता है इन चीज़ों पर। और जितने से पाकिस्तान में ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बहुत सारे बच्चे हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, गाड़ी में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं ना, यहाँ पर डीजल के, हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर जाकर जॉब्स कर रहे हैं।
यंग जो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी ना मिलती है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले वो बाहर ना जाए, आपको यहाँ पर ही सारी चीज़ें सैबल होकर मिले और सस्ती मिले। ये 7 लाख रुपए की आपने गाड़ी दिखाई, अगर ये पाकिस्तान में बने तो 5 लाख रुपए में पाकिस्तानी ले इसको। सर अगर इसे हम कन्वर्ट भी करें तब भी ये 21-22 लाख बनती है, बिल्कुल ठीक है। और अगर यही चीज़ हम अपने ही मुल्क में लोकल मैनुफैक्चरिंग पे आए तो मे बी ये चीज़ हमें बहुत सस्ती मिले। मैं यही बात कर रहा हूँ ना, लोकल अगर हम खुद बनाएँ तो ये पाकिस्तान में हमें 8 लाख रुपये से भी कम ही मिले। इसके साथ साथ हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्हें भी रोज़गार मिलेगा, जो इंजीनियर्स नहीं हैं जैसे लोकल वर्कर्स हैं उन्हें भी रोज़गार मिलेगा, फिर हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा। लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त तवज्जो ही नहीं देती, क्या कर सकते हैं उनको अपने बढ़िया बस किसी तरह इधर से उधर और उधर से उधर चले जाए। इसके अलावा जो है वो एक तो हमारा नेबर कंट्री है, जिस तरह से उसने अपने मुल्क में अपने आप को ग्रो किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया के 3rd नंबर पर आ चुका है। IT सेक्टर में बात करें दुनिया के 2nd नंबर पर आ चुका है। अगर हम बात करें मेडिसिन में उसमें भी उसने बहुत टॉप पर आ रहा है। तो आप ओवरऑल देखें तो इंडिया 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 हर जगह पर इंडिया, क्या वजह है हम लोग कहीं हमारे पाकिस्तानियों का कहीं नाम नहीं आ रहा? भाई जान सबसे पहले बात यह है कि हम लोग ना हर चीज़ में बेईमानी करते हैं। उनकी मेडिसिन जो है ना, मैंने खुद मतलब वो मेडिसिन किसी डायरेक्टर को मंगवा कर दी थी अपने अजीज़ को, उनकी मेडिसिन में दो नंबरी नहीं है। उस आप अप्रूव ही नहीं कर सकते उनके मेडिसिन में, जो कंट्री मेडिसिन में दो नंबरी नहीं करती रिकमेंड करता है। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, एक डॉक्टर थे हमारे यहाँ पर, जो डॉक्टर राइटिंग करते हैं उसकी समझ नहीं आती, मेरे मोबाइल में अभी नहीं है, मैं आने तो आपको दिखाता हूँ। इंडियन एक डॉक्टर थे गुर्दे के स्पेशलिस्ट थे वो, उन्होंने एक बंदे को मेडिसिन लिख कर दी कि आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है, उनकी जो राइटिंग है वो नर्सरी क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है। उन्होंने वो अपनी मेडिसिन अपने क्लिनिक से नहीं दी, लोकल किसी क्लिनिक से जाके खरीदे, उन्होंने इसमें 1 रुपया भी नहीं रखा। इधर डॉक्टर जो है वो हर कंपनी के साथ उनकी बातचीत है और वो पैसे अंदर करने के चक्कर में है। यहाँ पर कैसे आप निज़ाम समझते हैं कि वो वाला आएगा? कभी नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक तो जब मुल्क तरक्की करता है उसमें आपके लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। उनके माशाल्लाह आप देखें 34 से ज़्यादा सूबे हैं उनके, और उधर मैक्सिमम भी अगर आप किसी ठेला लगाने वाले की भी आप उधर देखें ना कि क्या क्वालिफिकेशन है, तो मेरे ख्याल से हमारे इंटर लेवल तक और वो है। उनकी अगर आप इंग्लिश देख लें तो काफ़ी हद तक, और उन्होंने बहुत हद तक ओवरकम किया अपनी चीज़ों पर, और अब वो स्टूडेंट्स को भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप अगर आप उनके स्टूडेंट्स देखें तो काफ़ी हमारे से काफ़ी ऊपर है वो। और मेरे ख्याल से ये कम्पीट करते रहे ना, आज हमने शहीन बना लिया, आज गोली बना लिया, अब जो सा दुनिया बदल चुकी है। आपको नहीं लगता कि हम लोग मुकाबला एक जगह पे करते हैं, वो है बॉर्डर पे, हम टांग किसकी ऊपर जाती है? देखें टांगों से अगर मामला ऊपर होने होता तो आज बुर्ज खलीफा में जितनी टांगें उठी हैं किसी की नहीं उठी, तो बहुत 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 बुर्ज जो सा वो ऊपर उठ जाते। लेकिन बात यही करने का मकसद है कि हमें अपनी तरफ देखना चाहिए, हुक्मरानों को देखना चाहिए। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे हुक्मरान ठीक होगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसलिए फरमाया कि जैसी राया वैसा हुक्मरान, और कुरान पाक का फैसला तो नौजबिला कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो मेरी हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है और अपने लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि यार हमने मिलजुल कर चलना है। अगर हम ये कहेंगे कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, तो थोड़ी हम जो उनसे कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो उनकी ना आवाम है ना, वो आप देख लो कहीं पर कहीं का वज़ीर आज़म है, कहीं का CEO है, वो ना आवाम अम्बानी हो गया, वो ना चीज़ें सस्ती और क्वालिटी में दे रहे हैं। यहाँ पर कंपटीशन बड़ा है, ठीक है, पाकिस्तान से ज़्यादा। यहाँ पर तो हुंडा टोयोटा वाले और सुजुकी वाले आपको ये गाड़ी अगर ये पाकिस्तान में होती तो ये 50 लाख की दे रही थी, टैक्सी सारे टैक्सी मिला के 60-70 लाख बिल्कुल इतने तक देनी थी। और अगर पाकिस्तान में बने तो इसकी क्वालिटी भी कम हो जानी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वहाँ की इंडस्ट्री है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो इंडिया में गाड़ियाँ उनके प्राइस ना उसके उनके पैसे की प्राइस भी बहुत ही कम है वहाँ पे, कम है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर इंडिया जिस तरह से अपने आप को ग्रो कर रहा है IT सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिसिन में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, हर लिहाज में आगे जा रहा है, क्या देख रहे हैं उनका फ्यूचर और पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? उनका फ्यूचर तो ब्राइट है, पर बस चंद अपनी हरकतें छोड़ दें, उसके अलावा इंडिया आगे जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। पाकिस्तान का इंडिया मिसाल एक काम कर रहा है, इंडिया तो हमारी तो आटे की लाने लगी है, वहाँ पर 500 करोड़ डॉलर की सैटेलाइट खिला में भेजी जा रही है। क्या बात है, ये है जी डेवलप्ड कंट्री की आप निशानियाँ बता रहे हैं कि इंडिया इस टाइम डेवलप्ड हो चुका है बहुत ज़्यादा। जिस तरह से वो वहाँ पे सैटेलाइट है, एजुकेशन है, IT सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा आगे है, हर यहाँ से इंडिया आगे जाता जा रहा है। उनकी ना अवाम मेहनती, अवाम जो करना चाहती है ना वो करके छोड़ती है, जैसे हमारी अवाम में थोड़ी हड हरामी है और हमें मौके नहीं मिलते। उनके जितना वो एजुकेशन आगे चली गई है ना, उनमें पैशन है,
जो काम करना चाहते हैं वो करके छोड़ते हैं, ठीक है, और उसमें वो अपना बिजनेस अपना फैलाते हैं। और अब पूरी दुनिया में इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस है और बहुत ज़्यादा कंपनी है जो इंडिया के साथ काम कर रही है, और तकरीबन 26 से 27 ऐसे मुल्क है जो इंडिया करेंसी में वो तजारत करना स्टार्ट करने लगे। ठीक है सर।